हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीदीपा और स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। क्या हम ओटीजी में मेटल यूज़ कर सकते हैं? क्या ग्लास बॉल सेफ रहेगा? व्हाट अबाउट एल्युमिनियम एंड स्टील? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीजी ओवन सेफ यूटेंसाइल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन वी यूज स्टेनलेस स्टील इन ओटीजी? यस, अनलाइक माइक्रोवेव ओवन्स, आप ओटीजी ओवन में मेटल यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टोव टॉप में जो भी वेसल यूज़ किया जाता है वो आप ओटीजी ओवन में यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि उसमें कोई भी नॉन मेटल पार्ट लाइक वुडन या फिर प्लास्टिक का ना हो। कैन वी यूज़ एल्यूमिनियम यूटेंसाइल्स इन ओटीजी? जी हाँ, एल्यूमिनियम लाइट वेट है, हीट का अच्छा कंडक्टर है और इसमें हीट होमोजेनियसली स्प्रेड होता है, जिस वजह से आपको इवन कुकिंग मिलता है और इसी रीजन से ये एक अच्छा बेकवेयर भी है। कैन वी यूज ग्लास बोल इन ओटीजी? यस, आप बोरोसिलिकेट या फिर ओवन सेफ ग्लास ओटीजी में यूज कर सकते हैं। ग्लास के बेकवेयर जल्दी हीटअप होता है और ये ज़्यादा देर के लिए हीट को होल्ड भी कर सकता है, बट आप इसमें टेम्परेचर शॉक अवॉइड कीजिए। कैन वी यूज सिलिकॉन मोल्ड्स इन ओटीजी? यस, फूड ग्रेड सिलिकॉन इज हैंडी एंड इज ग्रेट फॉर बेकिंग कपकेक्स एंड मफिन्स। इसमें हीट स्लोली कंडक्ट होता है, इसलिए आप लॉन्गर बेकिंग टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैन वी यूज सेरामिक इन ओटीजी? यस, सेरामिक्स आर जनरली फाइन टू बी यूज इन एन ओटीजी ओवन। सेरामिक में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसमें ओवर कुकिंग के चांस भी बहुत कम रहते हैं। हाउएवर, आप मेक श्योर कीजिए कि अच्छे क्वालिटी का सेरामिक यूज करें। कैन प्लास्टिक बी यूज इन ओटीजी? नो, आप किसी भी तरह का प्लास्टिक ओटीजी में यूज मत कीजिए, ये अंदर के हिस्से से या फिर कंप्लीटली मेल्ट हो सकता है। विच आर द बेस्ट बेकवेयर फॉर ओटीजी ओवन? कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, बोरोसिलिकेट एंड सिलिकॉन यूटेंसाइल्स आर परफेक्ट टू बेक इन एन ओटीजी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ओटीजी रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी रिलेटेड टॉपिक में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ऑल्सो, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।